लोकसभा चुनाव में चार चरणों का मतदान खत्म होने के साथ ही सियासी दल पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में अब पूरी तरह से जुट गए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चार चरण के चुनाव के बाद अब ये लोग चारों खाने इनके चित्त हो चुके हैं। अब आने वाले चरणों में तय होना है कि उनकी हार कितनी बड़ी होगी और एनडीए की जीत कितनी भव्य होगी। पीएम ने साथ ही कहा कि आम और लीची जैसे मिठास घोलने वाले स्वीट सिटी में आज इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं वो कई लोगों के मुंह में कड़वाहट पैदा करने वाला है। उन्होंने साथ ही कहा कि जिन्होंने बिहार की पहचान बदली थी वो इस चुनाव में केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, वो किसी भी तरह से अपने सदस्य बढ़ाने के लिए छटपटा रहे हैं। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है कि बिहार में लूटपाट, अपहरण, भ्रष्टाचार के दिन वापस लाना। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चार चरण के चुनाव के बाद ये लोग अब इनके चारों खाने चित्त हो चुके हैं। जो जेल में है या जेल के दरवाजे पर हैं, उन्हें केंद्र की मजबूत सरकार एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली की और रैली को संबोधित करके विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चार चरण के चुनाव के बाद अब इन लोगों के चारों खाने चित्त हो चुके हैं और साथ ही कहा कि जो जेल में है या फिर जेल के दरवाजे पर है उन्हें केंद्र की मजबूत सरकार एक मिनट भी नहीं बर्दाश्त करेगी। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं और साथ ही कहा कि जो जेल में है या फिर जेल के दरवाजे पर हैं उन्हें केंद्र की मजबूत सरकार एक मिनट भी नहीं बर्दाश्त करेगी। पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। कल चौथे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और रैली को संबोधित कर विपक्ष को आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि चार चरण के चुनाव के बाद अब इन लोगों के चारों खाने चित्त हो चुके हैं। पीएम मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार आपको बता रहे हैं। भारी संख्या में सब साथी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, मैं नीतीश कुमार जी को सुन रहा था और जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें उनकी बात को स्वागत कर रही थी, ये दृश्य शायद बिहार में ही देखने को मिल सकता है। मैं इन माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, लीची और आम जैसी मिठास घोलने वाले स्वीट सिटी में आप जितनी बड़ी संख्या में हम सभी को आशीर्वाद देने आए हैं वो कई लोगों के मुंह में कड़वाहट पैदा करने वाला है। चार चरणों के चुनाव के बाद ये लोग चारों खाने चित्त हो चुके हैं।